बोकारो दिनभर में आज बोकारो चार दिवसीय राष्ट्रीय साइकिलिंग कोचिंग का आयोजन करने जा रहा है। 21 जुलाई से चलने वाले स्पेशल ओलंपिक भारत और सेल के द्वारा मिलकर किए जा रहे हैं। कोचिंग कम ट्रायल की देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिनभर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में, बोकारो जिला 20 सूत्री कार्यालय के नए दफ्तर का हुआ उद्घाटन। एलोरा होटल के पास सड़क हादसा में कार और ठेले में टक्कर। बोकारो के सबसे पॉश कॉलोनी कोऑपरेटिव कॉलोनी के मकान मालिकों के बैठक में क्या हुआ, इसकी भी करेंगे बात। नीट की परीक्षा में मेडिकल की तैयारी के लिए बोकारो के एजुकेशन हब के टैग होने पर एक बार फिर मुहर लगा दी, इसकी भी करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू, और सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, पहली बार 80 रुपए प्रति डॉलर के पार। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने एनएसई को लोकेशन घोटाले मामले में किया गिरफ्तार। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी महंगाई जीएसटी पर विपक्षी सांसदों का हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित। सोने की कीमत 110 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी की कीमत 400 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 246 अंक और निफ्टी 62 अंक पढ़कर हुआ बंद। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की तीन बड़ी खबरों पर। झारखंड के कृषि मंत्री ने रांची में किया पेट क्लिनिक का उद्घाटन। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब 26 जुलाई को होगी सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फेमिना मिस इंडिया झारखंड रिया तिर्की ने की मुलाकात। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों में जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो में 21 जुलाई से 4 दिवसीय राष्ट्रीय साइकिलिंग कोचिंग सह चयन ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। स्पेशल ओलंपिक भारत और सेल द्वारा मिलकर किए जा रहे हैं। इस आयोजन में पूरे भारत से दिव्यांग खिलाड़ी शामिल होंगे। इस कोचिंग कैंप में चयनित खिलाड़ी अगले साल जनवरी में होने वाले वर्ल्ड गेम्स के लिए तैयार करेंगे। सेल के द्वारा खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन और दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के मकसद से स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ किए गए एक समझौते के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका जो इवेंट होने वाला है उसमें हमारे संभवतः और निश्चित तौर पर पहली कार्यक्रम इस तरह का ले जा रहा है, और विशेष तौर पर इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की टीम, जिनको मतलब ये हमारे ऊपर भी कॉन्फिडेंस है। नेशनल स्पेशल ओलंपिक नेशनल कोचिंग कैंप कम सिलेक्शन ट्रायल्स, ये जो इवेंट होने जा रहा है इसमें 21 स्टेट से तकरीबन 182 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 86 मेल हैं और 60 फीमेल एथलीट्स हैं। 4 दिन का इवेंट, 3 कैटेगरी में डिवाइड रहेगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। इसी कैंप के सिलेक्शन का जो उनका प्रोसेस है उसी के बेसिस के ऊपर में, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर में इन एथलीट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि अगले साल जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड गेम्स के लिए तैयारी करेंगे। जो भी एथलीट यहाँ से शॉर्टलिस्ट करेंगे, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके हिसाब से 12 मेल एंड 12 फीमेल एथलीट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके साथ साथ 4 मेल कोचेस एंड 4 फीमेल कोचेस को भी शॉर्टलिस्ट होंगे प्योरली ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस। वही एथलीट आगे में आज जो प्रिपरेटरी कैंप होगा, दिस इज नेशनल कोचिंग कैंप, उसके बाद प्रिपरेटरी कैंप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडियन टीम फॉर द वर्ल्ड गेम्स, वो 3 कैंप होंगे। उस कैंप में बच्चों को ट्रेनिंग कराया जाएगा और उनको अच्छी सहूलत मुहैया कराई जाएगी ताकि वो जर्मनी में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छा नाम कर सके, अपना, पेरेंट्स का, स्टेट का, बोकारो का और हमारे कंट्री का नाम। इस कार्यक्रम को बोकारो में आयोजित करना हमारे लिए भी, बोकारो स्टील प्लांट के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, और इस सेंटीमेंट को ज़रूर पूरे बोकारो वासी भी अप्रिशिएट करेंगे कि उनके शहर में इस तरह का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। और विशेष करके हमारे डायरेक्टर इंचार्ज साहब अमरेंदु प्रकाश सर का भी उनका एक मतलब पर्सनल एक उनका एक रहा है सपोर्ट इस कार्यक्रम को लेकर के, और हमेशा से वो उत्साहित रहे हैं हेल्थ को लेकर के, वेलनेस को लेकर के,
और दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाना है सोसाइटी में, इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये हम लोग को पक्का यकीन है कि हम लोग जो जिस मकसद के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कर रहे हैं, और अभी तक जो हमारा अनुभव रहा, जो फीडबैक मिलता रहा पार्टिसिपेंट से, कोचेस से, आप लोगों के माध्यम से भी, डेफिनेटली हम लोग लगता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आगे चल करके इसको और आगे ले जाना है। तो निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभुक हैं, उन तक पहुँचाना है। बोकारो जिला 20 सूत्री कार्यालय के कैंप 2 स्थित नए दफ्तर का उद्घाटन मंगलवार को झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। इस दौरान झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, वेरमो विधायक जयमंगल सिंह सहित जिला 20 सूत्री के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य मौजूद थे। नए कार्यालय के खुलने से 20 सूत्री के कार्यों में तेजी और जनता के बीच चल रही सभी योजनाओं को लेकर कार्य करने में सहूलियत होने की संभावना है। आज देखा जा रहा है कि पूरे झारखंड में अगर देखते हैं, चापाकल बहुत पहले लगा, बाद में लगा, लेकिन आज राइजर के नाम पर जो रिपेयरिंग होता हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसको कैसे किया जाए। हमने बाकुल में अभी हाल में कुछ ऐसा डिसीजन लिए थे और फंड के तहत लिया गया था, एक सर्वेक्षण करके देखा गया कि किन किन क्षेत्रों में, जिला में किन किन विधायक अनुसार चाहते कि कितना चापाकल खराब है। उसमें हम लोग एक एवरेज निकलते हैं कि उस क्षेत्र में कितना 20 पाइप लगेगा, और वो माननीय जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उसका काम विधायक कहीं भी अलग दिया जाता है, उस अनुशंसा के तहत पाइप खरीद कर मिस्त्री से रिपेयर कर दिया जाता है, तो हमारा ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं पड़ता। एक चापाकल लगाने में 1,90,000 रुपये लग जाता है और वो चंद रुपया में 20-25,000 में रिपेयर हो जाता है। तो उसके बारे में अभी थोड़ा देर बाद हम लोग मंत्री हैं और हमारे विधायक भी हैं, सारे लोग से बात करके ऐसे करके पानी की समस्या का निदान किया जाए। बिजली के बारे में भी बात आई है, दो जो ग्रिड बनकर तैयार है, उसे जल्द से जल्द उसका इनॉग्रेशन करके लोगों को सहूलियत पहुँचाई जाए, इस तरह हम लोग काम करेंगे। बोकारो के कैंप 2 स्थित एलोरा होटल के पास मंगलवार एक कार और ठेले के टक्कर में ठेला चालक घायल हो गया, जबकि कार भी अनबैलेंस होकर झाड़ी में जा घुसी। ठेला चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया और राहगीर ने कार के अंदर से बुजुर्ग दंपत्ति को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार कार में एक बुजुर्ग दंपत्ति कैंप 2 स्थित टीकाकरण केंद्र से निकल रहे थे, तभी मुख्य सड़क पर ठेला धुंधीबाग की ओर से आ रही थी। ऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो के रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में मकान मालिकों ने कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था और सफाई सौंदर्यकरण पर विस्तार चर्चा की। इस अवसर पर सोसाइटी के सचिव SNP सिंह, भूतपूर्व कार्यकारिणी निर्देशक सेल KP सिंह, भूतपूर्व प्रबंधक निदेशक बोकारो इस्पात संयंत्र BK सिंह, भूतपूर्व महाप्रबंधक नगर सेवा उपस्थित थे। कार्यक्रम में सुभाष मंडल ने RWA के गठन और उसकी भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। घेराबंदी हुआ, बाउंड्री हुआ, हम लोग पहले से जिस समय हम आए थे उस समय से अब निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में है, सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को समय बदलते गया, समय के अंतराल में ये पश्चिमी दीवार हमारा टूट गया, सोसाइटी असुरक्षित हुई, यहां पर रहने वाले लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस किए, कुछ और बहुत सारी बातें थी जिसके चलते इस RWA का गठन हुआ। RWA मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हम यहाँ के निवासी
अपनी कुछ कुछ जब समस्याएं आती हैं तो एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर के उस समस्या का निदान करने का कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा हुआ था जब हमारा कोऑपरेटिव कॉलोनी में जो हम मकान मालिक के बच्चे लोग कुछ दुकान करके अपना व्यवसाय चला रहे थे, उन दुकानों को बंद करने का नौबत आया तो उस वक्त भी हम लोग एकत्रित होकर के एक युवा मंच का गठन किए और उस युवा मंच के तहत बैठ करके उसका मंथन किए, उससे निजात पाने का कोशिश किए। उसी कड़ी में अभी कुछ कुछ परिस्थितियां पैदा हुई जिसके चलते ये RWA का गठन हुआ। करीब 2 साल बाद रविवार को बोकारो में हुए नीट परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर का माहौल एक बार फिर बोकारो के एजुकेशन हब टैग की याद दिला गया। जिले में मेडिकल की तैयारी के लिए पढ़ने पढ़ाने का सही माहौल एक बार फिर मुहर लगी। हमने बोकारो के लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से बात की, मेडिकल के प्रश्न पत्र पर चर्चा करके साथ ही साथ इस विषय पर भी बात की। मैंने सारे सेंटर पर मैं गया और मैंने ये देखा कि पिछले साल से इस साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा थे। इससे जाहिर यही होता है कि बच्चों का मेडिकल के प्रति, नीट के प्रति रुझान काफ़ी बढ़ा है। और इस बढ़ने का कारण क्या है कि मेडिकल में ऑप्शंस हैं, आफ्टर नीट एग्जामिनेशन एक डॉक्टर का प्रोफाइल मिलना वो बहुत बड़ी बात है। इस सेंटर में बच्चों की चेहरे की मुस्कान देखकर ही उसी दिन हम लोगों को मालूम चल गया था कि ऑरेंज कुछ बड़ा करने वाला है। बच्चे का मेहनत, हम लोगों की मेहनत, सही मार्गदर्शन, आज ऑरेंज दिन रात बच्चों के पीछे जो लगा हुआ था कहीं ना कहीं उसका परिणाम आज दिखा। हम लोग केवल पढ़ाते नहीं बच्चों को, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ डॉक्टर कैसे बना जाएगा, डॉक्टर के साथ कैसे जिया जाएगा, वो अनुभव उनको पहले दिन से होने चालू हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चे के साथ मिलकर कैसे तैयारी चीज़ों को, बच्चे को ग्रूम किया जाए, ये बच्चा पहला दिन से अनुभव कर लेता है कि नहीं कुछ तो बड़ा करेंगे हम लोगों के साथ। जो नीट का एग्जाम 17 को हुआ है उसमें जब बच्चे अंदर जा रहे थे तो हम लोगों ने भी बड़ा उनका मनोबल बढ़ाया और हम लोग भी टेंशन में थे कि बच्चे निकलेंगे तो कैसा उनका परफॉर्मेंस होगा, क्या होगा। लेकिन विश्वास माने जब हम लोगों ने गेट से बच्चों को निकलते देखा, उनके चेहरों की जो खुशी देखी, उसी समय हम लोगों को फीलिंग आ गई कि हमारे बच्चों ने जो है झंडे गाड़ दिए। बहुत ही अच्छा, उन्हें आप सोच नहीं सकते जो इतना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था बच्चों से बढ़ के परफॉर्म किया है और ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। तो सर देखिए, मेरे यहाँ से जो बच्चे अपीयर हुए उन्होंने तो बहुत अच्छा किया है। अब अगर कोई एक दो हो, चार हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। हाँ, मैं और सारे बच्चे जिन्होंने ठीक तैयारी नहीं की, कहीं पे भी तैयारी कर रहे थे, जिनका प्रिपरेशन ठीक नहीं हो पाया या किसी भी रीजन से उनके परफॉर्मेंस में जो आना चाहिए था आउटपुट वो नहीं आया है, तो मैं उनको कहूँगा कि हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। बोकारो शहर में एटलीस्ट झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, बिहार के बच्चे सब आते हैं, उन सभी बच्चों को मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बार नीट एग्जाम दिया और उनका अच्छा नहीं हुआ, वो आए और यहाँ बोकारो में एक जो ये इंस्टीट्यूट है प्योरली मेडिकल कल्चर पे है। यहाँ किसी भी तरीके की किसी और चीज़ की प्रिपरेशन नहीं होती, प्योरली मेडिकल कल्चर है। यहाँ पे बच्चे को फर्स्ट डे से फीलिंग आएगी कि एवरीथिंग इज ओरिएंटेड फॉर द नीट एग्जाम। अब जिले के प्रखंडों के 10 खबरें फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। बोकारो में डेंगू से बचाव के लिए क्वार्टरों की होगी निगरानी। बोकारो जिले के 15 से ज्यादा जगहों से अवैध बालू जब्त किए गए। कसमार के मुरहुलसुदी के बड़का तालाब से एक शख्स का शव बरामद। पेटरवार में वाहन की टक्कर से साइकिल सवार घायल। चंद्रपुरा में PDS के अनाज उतार रहे मजदूर की तबीयत हुई खराब, बाद में हुई मौत। पुसरों में बालू उठाव बंद होने से दिहाड़ी मजदूर संकट में। बेरमो में श्री अरविंदो की 150वीं वर्षगांठ 23 जुलाई को आयोजित करने की तैयारी। चास में 19 शिक्षित बेरोजगारों को मिली लोन की स्वीकृति। नावाडी में वृक्ष गंगा अभियान के तहत निकली पैदल कांवर यात्रा। अब जान लेते बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9334210302।
इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।